ये CAPT की विंध्याचल मेस की बिल्डिंग है। रूम की गैलरी में मैं खड़ा हूँ और यहाँ से व्यू, अभी आपने जो देखा वो व्यू यहाँ का से दिखता है। और अब चलते हैं अंदर। बैठने के लिए कुर्सी, एक सिंगल बेड, दो कपबोर्ड, मिरर, डेस्कटॉप, सारे बाथरूम। तो ये विंध्याचल में इसके कुछ ऐसे रूम्स, ऐसे बिल्डिंग है, लॉबी। रेसिडेंशियल एरिया काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी एक हिस्सा है कुछ एकेडमिक सेशंस, ऑफिस, मेस, क्वार्टर। इतना सारा दूध नहीं डालना पड़ता ना सर। आप भाई जोधपुर से, आप है नागपुर से। अरे हो गया भाई, हो गया। एक चीज ध्यान रखना, इसको ना ज्यादा नहीं करना है। ये जो है ये भी एक एकेडमिक ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, एकेडमिक ब्लॉक्स। हर डिपार्टमेंट में हर कुछ कोर्सेज के लिए अलग अलग वहाँ पे वो जो है खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पार्किंग एरिया में ही गाड़ी पार्क होती है, कहीं आपको दूसरी जगह, कहीं रोड पे, कहीं इंटरनल प्रीमाइसेस में, कहीं पे ऐसी, कहीं पे भी पार्किंग की हुई गाड़ी कोई भी दिखाई नहीं देगी आपको। और ये सब पेड़ लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये नेचुरल थे, ये पेड़ लगाए हुए। और ये देखो, इसमें मोर और भी है, वो देखो मोर। मोर है, झील में गूज है। ये थोड़ा सा कंप्लीट ग्रासलैंड और जंगल एरिया, पंछी और जानवरों की आवाज़ें यहीं पे। अभी वो मोर, वो देखो 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 है। तो ये बहुत सारे मोर वगैरह यहाँ पे, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। तो इन्होंने नेचुरल हैबिटेट, फॉरेस्ट एरिया। तो इतना सुहाना मौसम, ना बारिश है, अभी बारिश भी खुल गई है और हवाएं मस्त चल रही है। मेरे ख्याल से 24 डिग्री आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। और ये एकदम बिल्कुल जीरो पोल्यूटेड एरिया, कोई आवाज़ नहीं, कोई डस्ट नहीं, साफ साफ मौसम, साफ बिल्कुल नज़ारे। और इतनी हरियाली, इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ पूरा प्रीमाइसेस। बच्चों के लिए स्कूल वैन, जो यहाँ से सिटी में जो पढ़ने के लिए जाते हैं, या यहाँ पे जो क्वार्टर्स में रहते हैं लोग, उनके जो बच्चे उनके लिए बसेस की व्यवस्था, यहाँ के स्टाफ के लिए भी जिनको जाना है सिटी में, रेगुलर इंटरवल से बस सर्विस चलती है। ये हमारे खत्री साहब राजस्थान जोधपुर से। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा प्लेस है। और ये यहाँ के स्टाफ के लिए बनाए हुए बहुत अच्छी कॉलोनी, स्टाफ क्वार्टर्स, बच्चों को खेलने के लिए जगह, कम्युनिटी हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। इवन SBI ATM, बैंक, पूरी तरह से एक पूरा एक छोटा शहर ही बसाया हुआ लगता है यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरती से यहाँ से गार्डन और लैंडस्केप इनको मेंटेन किया है। रेसिडेंशियल एरिया काफ़ी अच्छा लगता है। अंदर छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शाम का समय, धीरे धीरे सूरज तो ढल गया, आसमान बढ़िया नज़र आ रहा है, कलरफुल। टाइप 5 और 6 क्वार्टर्स है ये, सागर, एप्पल और किट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल बंगलोज नज़र आ रहे हैं ऑफिसर्स के। तो बहुत ही अच्छा प्रीमाइसेस, बहुत ही बड़ा प्रीमाइसेस, खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ, भोपाल शहर से 20 किलोमीटर्स अवे, रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर्स अवे, एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर्स अवे। बहुत ही सुहाना लगता है।
विदाउट एनी पोल्यूशन, विदाउट एनी डस्ट। देखो आवाज़ें सुन सकते हो आप कुछ पंछियों की। तो इस वक्त बजे शाम के 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे हम दिखा रहे आपको CAPT के अंदर का नज़ारा। जब भी आपने देखा होगा इसको तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यहाँ का। और अब आपको आश्चर्य लगेगा कि यहाँ पे कितना खूबसूरत इन्होंने 5-star फैसिलिटी जैसे माहौल बना के रखा है। तो सब सारी तरह लाइट चालू है और ये देख सकते हो आप कैसा खूबसूरत फाउंटेन है यहाँ पे। सामने अपना वो एकेडमिक ब्लॉक जहाँ पे क्लासेस चलते हैं। तो और दिन का तो नज़ारा आपने देख लिया, अभी शाम का अंधेरे का नज़ारा, रात का नज़ारा। ये लॉन, गार्डन, लैंडस्केप, फाउंटेन, लाइट्स, रोड्स, एवरीथिंग इज इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर दैट सही में यहाँ पे कुछ अगर जिस किसी को कभी ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है तो उन्होंने गंवाना नहीं चाहिए। बार बार ऐसे जगह, खूबसूरत जगह आने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे आप बहुत ही खूबसूरती से अपने लाइफ का कुछ समय एंजॉय कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, लेना भी चाहिए। इतना सुंदर, इतना शांत, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई आवाज़ें नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, हवाएं मस्त चल रही है, मौसम मस्त है, खुला खुला। तो कहने का मतलब ये है कि अपने यहाँ भी ट्रेनिंग स्कूल गवर्नमेंट के जो है कुछ कुछ तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और देश का माना हुआ, जाना माना टॉप 3 इंस्टीट्यूट में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में इसका नाम आता है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। अभी फ़िलहाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ का, जहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट और बाकी फैसिलिटीज़ के साथ सुंदर सा। फुल मॉडर्नाइज फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स बढ़िया। वेटिंग एरिया कितना बढ़िया, खूबसूरत पूल एंड देयर आफ्टर द मेस एरिया, डाइनिंग एरिया। क्या क्या है आज नाश्ते में? टी, कॉफी, गुड। ये बोल रहे थे कि नॉलेज कैसे पुलिस अधिकारी इंटरप्रिटेट करेगा, डे टू का सेकंड सेशन आज खत्म हो गया। ड्रोन शॉट चालू है। ये हमारे मेघालय से दोस्त और ये हमारे राजस्थान से, जोधपुर से सुरेंद्र खत्री, फ्रॉम मेघालय। मेघालय बहुत अच्छा लगा। ट्रेनिंग क्लासेस हाय सर,
हेलो, आपका नाम? माय नेम इज दिनेश कुमार रसैया एंड यू? आई एम विनोद श्रोते फ्रॉम महाराष्ट्र। नाइस मीटिंग यू। अरे खड़े रहिए आप, सब खड़े रहिए। मस्त लग रहा है, आ जाते सब के आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। तो चलो एक साइकिल का राउंड लेकर हम साइकिलिंग करके देखते हैं यहाँ। जहाँ जहाँ पानी का झील यहाँ पे बना सकते हैं वहाँ पे बना के रखिए। कंपाउंड वॉल भी प्रीमाइसेस को बनाकर प्रोटेक्ट की गई है, साफ सुथरा और सुंदरता बहुत ही खूबसूरती से संजोई गई है। हवा के कारण लहराते हुए सुंदर सुंदर पत्तों की आवाज़, पंछियों की आवाज़, एक शांति का भी एक मधुर संगीत। आप देख सकते हो तिरंगा कैसे लहरा रहा है शान से। पेड़ पौधे लगाने के लिए, बाग बागीचे को बढ़ावा देने के लिए यहीं पे एक छोटी सी नर्सरी। सामने इसका इंस्टीट्यूट का पहला गेट, तो ये पहला गेट होता है जहाँ से बाहर जाना विदाउट परमिशन वैसे अलाउड नहीं है। जो तो 3 दिन 5 दिन ऐसे कुछ कोर्सेस यहाँ पे होते हैं और कुछ लंबे भी चलते हैं, तो कम से कम 3 दिन का कोर्स करने के लिए अगर जिसको भी कभी आने का मौका मिले यहाँ पे, जो भी पुलिस ऑफिसर, जो भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, तो उन्होंने ज़रूर आना चाहिए। ट्रेनिंग, जो भी कोचिंग आपको मिलता है, जो अपडेट आपको किया जाता है, उसका बेनिफिट लेना चाहिए। ज़रूरी चीज़ें आपके सर्विस में, आपकी ड्यूटी में जो भी अपलिफ्टमेंट करना है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और यहाँ से लेकर जो भी आप ध्यान ज्ञान लेके जाओगे वो और अपलिफ्ट करना चाहिए। तो हम आज एक साइकिल का राउंड ले रहे हैं इंस्टीट्यूट का। जिन्होंने भी यहाँ पे आकर कुछ पल गुजारा वो अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझेंगे, समझना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ। सो यू कैन वॉच इन द अर्ली मॉर्निंग ऑल दिस पीपल्स केम हियर फॉर क्लीनिंग द प्रीमाइसेस। हर किसी को लगता है यहाँ की यादें अपने साथ लेके जाए, क्यों ना हो, जब इतना सुंदर सब कुछ आपको अनुभव करने के लिए मिले तो क्यों ना आप उसके मोह में पड़े। और ट्रेनिंग कोर्स के लिए आते हो तो यहाँ के माहौल में आप घुल मिल जाते हो, आप उसके प्यार में पड़ जाते हो, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आप लेके जाते हो। और पूरे देश विदेश से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर्स आते हैं, एक दूसरे के साथ उनका ट्यूनिंग बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्टिविटीज़, एक दूसरे के साथ वहाँ के काम करने के तौर तरीके, एक दूसरे के साथ वहाँ के प्रॉब्लम्स, अपने अपने स्टेट के प्रॉब्लम्स, अपने अपने स्टेट्स के जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके बारे में आदान प्रदान की जाती है।
हाय हेलो 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 अन्ना पास में से भी ले सीएपीटी की लाइब्रेरी है ये और ये इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड एवरीथिंग एवरी टाइप ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हियर। अभी जा रहे हैं अभी फोटोग्राफिक सेक्शन में। अच्छा ये आ चुके हम फोटोग्राफी सेक्शन में। फोटोग्राफ से आप सब लगे हुए ये अभी अभी किया है क्या इसको सेटअप। अच्छा तो इसमें आने वाले हर जो बैच इवेंट्स बैच जो भी है उनके सारे के फोटो यहाँ पे लगेंगे। हाँ। अच्छा ये जब पहले इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था तब का ये शुरुआत तो ये है जब गेट ही बना था। हाँ अच्छा ऊपर क्वार्टर्स ऐसे थे क्या पहले? कौन से ये जो दिख रहे हैं ना ये क्वार्टर्स ये सब पार्टसी का एरिया है। हाँ ये जो है 2013 का है। हाँ। ये था तो ओपनिंग मतलब यहाँ पर इस गेट से यहाँ पर आने के लिए। हाँ। मतलब जो मान लो कि मंदिर। हाँ। कम से कम 1.5 घंटे लगते थे। कैसे बारिश की बात बोलो। अच्छा अच्छा यानी गाड़ी से या कीचड़। अरे गाड़ी कहाँ गाड़ी आए थी नहीं थी पैदल आने को 1.5 घंटा लगता था यहाँ पे मेन गेट से। तब से अभी इसका इतना डेवलपमेंट हो गया। अभी तीन गेट हैं। जो फर्स्ट सेम सेकंड वो पूरा अपना है। अच्छा आईटीबीपी का है। अच्छा आईटीबीपी का भी है। आईटीबीपी का है उसमें दीवार लगी हुई है। हाँ। वो दीवार। अच्छा और दूसरे गेट के बाद तीसरा गेट आता है। तीसरे गेट के जो बीच में है। हाँ। तो बीच में एक गांव पड़ता है। अच्छा तो वो गांव वालों का रास्ता प्लस तालाब प्लस हमारा पार्टसी का रास्ता है। अच्छा अच्छा उसी में पार्टसी का। हाँ उसके बीच में किसानों की जमीन भी है इसीलिए तीन गेट बने हैं। इसीलिए तीन गेट बने हैं कि जो दो गेट है वो पूरा तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया और फिर वहाँ से किसान और फिर अपना इंस्टीट्यूट का गेट तीसरा। वो क्या करते हैं सब व्यू लग रहा है यहाँ से। श्री दिनेश कुमार बसैया फोन का और इस तरह से 3 दिन का ये छोटा सा मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स ख़त्म करके वैलेडिक्टरी फंक्शन करने के बाद भरी पूरी यादों से बहुत सारे लोगों के साथ उनके दुआएं उनके आचार विचार का आदान प्रदान करके कुछ खुशी कुछ गम कुछ उदासी बहुत सारी
खुशियाँ, मन में यादें लेकर अभी आप अपने स्टेट, आप अपने ज़िले, आप अपने गांव की तरफ निकलने के लिए अभी चल पड़े हैं। अच्छा लगता है, 3 दिन का एक शॉर्ट कोर्स, बहुत सारे लोगों का सहवास, उनके यहाँ के स्टेट के कल्चर्स, उनकी लैंग्वेजेस का आदान प्रदान करके, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को जानते हुए कुछ यादें लेकर जाने का, उसका भी कुछ शब्द नहीं होता उसको बयां करने में। तो बस चलते हैं फिर किसी सुबह नई शुरुआत के साथ, एक बार फिर नए लॉग से साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जहाँ भी हो, जैसे भी हो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।